बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आकिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा क्यूट सा बच्चा जो है, ये आ गया है मेरा कज़न ईद करने आ गया मेरे पास जड़ा वाले। तो अभी थोड़ा इसका ज़रा मूड जो है ना वो ऑफ हुआ है, तो अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ बाहर और इसकी कुछ डिमांड है वो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इसको किधर लेके जाता हूँ, इसको क्या खिलाता हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी का। और अब्दुलरहमान रेडी हो? चलें। इसका नाम अब्दुलरहमान है और ये भी छोटा सा एक नन्ना सा यूट्यूबर है, आप इसको भी सब्सक्राइब करें। ये मेरा छोटा सा क्यूट सा कज़न है, तो अभी इसको मैं ले आया हूँ। अब्दुलरहमान क्या खाना है बताओ? पास्ता। पास्ता, पास्ता ऑर्डर करें? चलो ठीक है, कर दिया। नहीं अभी आपको भूख लगी हुई है? हाँ। रोज़ा रखा था आज? नहीं, नहीं? तो फिर भूख क्यों लगी? आप दोनों में नीत के कपड़े बनवाए हैं? किस तरह के बनवाए हैं? ब्लू कलर का शर्ट, एक ब्लू कलर का है, एक वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का। एक ब्लू कलर का, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, तीन दिन के लिए तीन सूट। और अभी जिस जगह पे हम बैठे हैं ये है पिज़्ज़ा प्लैनेट, और यहाँ के जो पिज़्ज़ा बर्गर्स और पास्ता जो है फास्ट फूड आइटम्स यहाँ की काफ़ी अच्छी होती हैं। तो किधर जा रही है तुम? किधर किधर जा रही हो? सेलेक्ट करके आता हूँ। क्या चीज़? पेस्ट्रीज। अच्छा एक मिनट बैठो ना, कर लेना। अच्छा व्यूर्स, मैं फास्ट फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन अब्दुलरहमान को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और अब्दुलरहमान को पता है मैं बिल्कुल नहीं खाता। ऐसे ही स्मैश पे खाया था सब बर्गर, लेकिन तब भूख बहुत लगी। अभी सिर्फ अब्दुलरहमान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, अब्दुलरहमान को लेके आया हूँ। तो अभी पास्ता अब्दुलरहमान खाता है, तो अब्दुलरहमान आपको बताएगा, उसका रिव्यू देगा कि वो कैसा है खाने में, टेस्ट उसका कैसा है, और वो सारा जो है ना वो पास्ता आता है तो फिर दिखाते हैं। आप किधर जा रहे हो? अच्छा बात सुनो, आपकी फेवरेट है? खैरवान? नहीं मैंने नहीं खाना, वैसे फेवरेट है लेकिन खानी नहीं। वाले ये फ्लेवर पता है? आपको कौन सी पसंद है? रेड वेलवेट होगी? पता नहीं, हाँ वही होगी शायद। ये रेड वेलवेट होगी, वो चॉकलेट होगी, पता नहीं। ये कौन सा फ्लेवर? बनाना। और ये बनाना? नहीं। ये जो वो चिप्स वाली है? नहीं। कैरमल? नहीं नहीं, बस ये वो पहले वो बाद में थे, फिर भी उनको पहले दे रहे हैं। हमारे से बात नहीं आई थी, तो उनका ऑर्डर पहले आ गया। चलो कंप्लेन करते हैं। अब्दुलरहमान पास्ता आ गया आपका, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप भी खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगा जी, आप ही खाओगे। इसके अंदर ही खा लूं? अंदर ही खा लो। नहीं, इसको साइड पे कर दो। क्या क्या क्या? कुछ नहीं, अमेरिकन स्टाइल। गरम है अभी, वो बबल्स निकल रहे हैं। गरम ठंडा हो रहे हैं दो। मज़े क्या? मज़े क्या? मज़े का ही होता है इनका, मज़े का ही होता है। चलो खाओ। इसमें मैक्रोनी है, ठीक है, चीज़ है, ठीक है, ओलिव है, ओलिव ठीक है, और उनकी क्रीम है अंदर, ठीक है, और ये जो शिमला मिर्च होती है वो है, चिकन हाँ बस। अच्छा बना हुआ है ना, रिकमेंड करते हो आप? अब्दुलरहमान वो पेस्ट्री की जगह ये करवा लिया था? हाँ। क्या है?
मुझे भी नहीं पता ये क्या है। क्रीम मूस कहते हैं। चॉकलेट है ये ना? क्रीम मूस। क्रीम मूस? क्रीम मूस। मैं तो पहली दफे देख रहा हूँ क्रीम मूस। पता नहीं मुझे, क्रीम मूस है शायद, पता नहीं। लग तो अच्छा ही रहा है, अच्छा ही होगा है ना। चलो ये तो खाओगे तो फिर पता चलेगा। हाँ जी व्यूअर्स, अब्दुलरहमान के साथ मैं भी अब खा रहा हूँ क्योंकि पास्ता काफ़ी ज़्यादा है और अब्दुलरहमान मुझे कह रहे हैं कि आप भी खाएं और टेस्ट करें साथ। तो मैं टेस्ट करता हूँ पास्ता, काफ़ी क्रीमी है। मज़े गए काफ़ी और हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से तैयार की हुई है। इंग्रेडिएंट्स इसके जो हैं वो अच्छे तरीके से यानी कि तैयार किए हैं और काफ़ी टेस्टी है। अब्दुलरहमान ये कैचअप में कोई सॉस नहीं यूज़ करना, इस्तेमाल करना करते ही नहीं हो? अच्छा करते हो। मिर्च थोड़ी ज़्यादा है इसमें, थोड़ा स्पाइसी है, स्पाइसी काफ़ी है ना अब्दुलरहमान, लेकिन मज़े का है, टेस्टी था, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा था। और अब्दुलरहमान ने माशाल्लाह खा लिया है। हाँ जी ये कैसे है? बहुत मज़े का। अच्छा पास्ते से ज़्यादा मज़े का, पास्ते का अलग टेस्ट था, ये स्वीट में अलग टेस्ट है, लेकिन इसका पास्ते से ज़्यादा मज़ा है। अब्दुलरहमान हमें इसका नाम ही नहीं पता चल रहा था, इसका नाम बिल पे जो लिखा है ना वो कप केक है। हाँ जी तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं वापस घर और अब्दुलरहमान ने खाया है तो क्या कहते हैं पास्ता और वो कपकेक जो भी था। हाँ पास्ता और कपकेक खाया और अब्दुलरहमान ने आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि मज़े का था, मज़ा आया, मज़ा आया ठीक है। और अब अब्दुलरहमान का मूड भी अच्छा हो गया और अब्दुलरहमान अब हैप्पी हैप्पी है। तो आज इस व्लॉग में बस इतने, तो मुलाकात होगी आपसे अब इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और अब्दुलरहमान को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।